हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं बीसीए सेकंड सेमेस्टर का जो अभी अभी एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ है एडवांस सी प्रोग्रामिंग पे। उसकी हमने क्वेश्चन बुकलेट बी सीरीज़ के आंसर्स को लिया है, तो देखते हैं कि कौन कौन से आंसर्स। बढ़िया पेपर आया था आपका, क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा पेपर, स्टैंडर्ड पेपर भी था, कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। आई थिंक 50 क्वेश्चन तो सभी के सही होने चाहिए, बेसिक क्वेश्चन से बहुत सारे, ज़्यादातर डायरेक्टली क्वेश्चन से, कुछ ऐसे क्वेश्चन से जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट पेपर था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग। देखिए आपने पढ़ा होगा इंटीजर डेटा टाइप कितने बाइट्स का होता है, तो 2 बाइट भी आपने पढ़ा है, बहुत सारे कंपाइलर्स 4 बाइट सिस्टम डिपेंड करते हैं, तो ये डिपेंड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम पे है, सिस्टम एंड कंपाइलर पे। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये 2 बाइट भी हो सकता है 4 बाइट भी। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया डिपेंड ऑन सिस्टम एंड कंपाइलर। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द 16-बिट कंपाइलर अलाउएबल रेंज ऑफ इंटीजर कॉन्स्टेंट। तो इंटीजर कॉन्स्टेंट की रेंज आपने सभी ने देखी होगी, इंटीजर की कॉन्स्टेंट की रेट होती है -32768 to 32767। इज द बी आंसर। व्हाट डज शॉर्ट इंट मींस इन सी प्रोग्रामिंग। अब शॉर्ट इंट का मींस का मतलब क्या होता है, तो ये होता है शॉर्ट इज द क्वांटिफायर क्वालिफायर्स एंड इंटीजर इज द बेसिक डेटा टाइप। तो दोनों चीज़ें बता दी, शॉर्ट इज द क्वालिफायर्स एंड इंटीजर इज द बेसिक डेटा टाइप। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन कहता है हाउ इज एन एरे विथ 8 इंटीजर डिक्लेयर इन सी प्रोग्रामिंग। अब आपको डिक्लेयर करनी है 8 इंटीजर्स के लिए, तो आप सिंपली सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इंटीजर A8 उसमें साइन करा दे, और ये सही सा करेक्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ 2D। आई थिंक सभी ने 2D डिक्लेरेशन पढ़ भी रखा होगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 2x2 की आपकी एक एरे दे रखी है, उसका डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। 20 नेक्स्ट इज द 6th क्वेश्चन, एक 2-डायमेंशनल एरे कह रहा है 20 और 10, एज्यूम 4 वर्ड पर मेमोरी सेल है और द बेस एड्रेस दे रखा है इज 100, एलिमेंट आर स्टोर्ड इन द रो मेजर और एंड द फर्स्ट एलिमेंट A00, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो A00 पे, व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ A1115, यानी A1115 पे कौन सा एलिमेंट होगा, कौन सा एड्रेस आएगा। तो बहुत आसान है इसका वेब डायरेक्टली आंसर 560 आंसर इज़ द ए, और निकालना चाहें तो बेस एड्रेस को जोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 11 × 10 × 4। इसके लिए आप मिल लेना, इसके पे एक वीडियो भी बना देंगे आगे चल के, तो 1-2 डायमेंशन इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द प्रिंट परसेंटाइल डी साइज ऑफ हेलो। हेलो का साइज पूछ रहा है, तो आपका क्या आंसर आएगा, इज द आंसर इज द साइज ऑफ हेलो, साइज ऑफ हेलो। तो इसे सभी ने कर दिया होगा, साइज ऑफ हेलो आपका आ गया होगा, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, दैट्स द बी इज द करेक्ट आंसर, इसका 560 था और इसका डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच फंक्शन इज यूज टू सी के स्पेसिफिक पोजिशन इन ए फाइल। तो कौन सा फंक्शन यूज होता है सी के लिए, तो एफ सी फंक्शन यूज होता है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच मोड इज यूज टू ओपन ए फाइल इन बोथ रीड एंड राइट मोड विदाउट ट्रंकेटिंग इट। तो बताइए इसमें क्या कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास, 3 ऑप्शंस गिवन है, एक तो RW+, एक W+,
और एक आ गया आर प्लस एंड देन इज आर डब्ल्यू प्लस, तो इसका करेक्ट आंसर है आर प्लस रीड मोड एंड राइट मोड विदाउट ट्रंकेटिंग इट आर प्लस मोड। चलिए, इफ देयर इज एनी एरर वाइल ओपनिंग ए फाइल एफ ओपन विल रिटर्न, एफ ओपन कैन रिटर्न करता है, नल रिटर्न करता है हमेशा अगर कोई एरर आ रहा है। नेक्स्ट इज ए डेटा ऑफ द फाइल इज स्टोर्ड इन, किस में होता है वो, हार्ड डिस्क, आपका कहाँ स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में। व्हाट इज मेंट बाय ए इन द फॉलोइंग सी कोड स्नैपेट, तो एक कोड दे रखा है इसमें आपको बताना है कि क्या ए का मीन्स है। तो ए फॉर अपेंड, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर वी इन एफ ओपन फंक्शन यूज ब्लो इन द कोड, तो एफ ओपन का क्या मतलब है, देखिएगा एक फाइल पॉइंटर एफ पी है, एफ पी इज इक्वल टू एफ ओपन माई फाइल डॉट टी एक्स टी और आर बी लिख रखा है, तो इसका मतलब हो गया ओपन माई फाइल टेक्स्ट इन बाइंड्री मोड, आर बी का मतलब है बाइंड्री, बी फॉर बाइंड्री मोड फॉर रीडिंग, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं 14 पे, इफ द मोड इंक्लूड्स बी आफ्टर द इनिशियल लेटर व्हाट डज इट इंडिकेट्स, तो ये हो जाता है बाइंड्री फाइल, क्या हो जाता है, बी फॉर बाइंड्री फाइल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज क्रिएटेड टू डेवलप द ऑपरेटिंग सिस्टम, किसके लिए डेवलप करी गई थी, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सभी जानते हैं। इन सी प्रोग्राम हैज एरर्स इट विल नॉट कंपाइल, अगर कौन से ऐसे एरर हैं जिससे वो कंपाइल नहीं कर पाता, फिर प्रोसेस वहीं रुक जाता है प्रोसेस, तो वो होता है सिंटेक्स एरर। कौन सा एरर, सिंटेक्स एरर। विच वन ऑफ द देम इज नेसेसरी टू एग्जीक्यूट ए सी प्रोग्राम, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो सबसे नेसेसरी है सी के लिए, तो वो है मेन फंक्शन, एम ए आई एन मेन फंक्शन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट फाइल एक्सटेंशन टाइप रिप्रेजेंट द सोर्स कोड ऑफ ए सी प्रोग्राम, तो वो आपको मिल जाएगी फाइल नेम डॉट ई एक्स सी में, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट 19, विच टाइप ऑफ एरर इन सी प्रोग्राम मोस्ट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, तो वो होता है आपका रन टाइम एरर, कौन सा होता है, रन टाइम एरर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड आइडेंटिटी, वैलिड तो आपने बता दिया होगा, देखिएगा दो ही ऑप्शन दे रखे हैं, तीसरे ऑप्शन में बोथ क्या रखा है, चौथे ऑप्शन में नन ऑफ दीज, तो आइडेंटिफायर बनाने के लिए अंडरस्कोर आ सकता है, अल्फाबेट्स आएंगे पहले, उसके बाद डिजिट आएंगे, डिजिट पहले नहीं आ सकती है, आपको भी पता है, तो बी ऑप्शन इज द नॉट ए करेक्ट ऑप्शन और ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट, विच वन ऑफ द देम इज नॉट ए वैलिड कीवर्ड इन सी प्रोग्रामिंग, तो देखिएगा कौन सा वैलिड कीवर्ड नहीं है, तो यह है मेन, मेन नॉट ए कीवर्ड इन सी प्रोग्रामिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट रॉन्ग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिएगा ए प्लस इज इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, बिल्कुल सही, ए मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बी का मतलब क्या करते हैं, बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, तो ये रॉन्ग आंसर है, ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब होना चाहिए था ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, तो बी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन है इसमें, यानी कि इसके लिए तो सही ऑप्शन है, वैसे स्टेटमेंट गलत है। चलिए, विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द वेरिएबल स्कोप फ्रॉम द फॉलोइंग, तो वेरिएबल स्कोप के लिए द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम, क्या सहारनपुर है इसके अंदर प्रिंट एफ में, और मेन को फिर से कॉल कर लिया, देखिएगा मेन यहाँ आया, प्रिंट करा, फिर मेन से मेन पे चला गया, फिर प्रिंट करा, फिर प्रिंट करा, तो ये तो हो गया कीपिंग प्रिंटिंग सहारनपुर अंटिल सेगमेंटेशन फॉल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लूप कंस्ट्रक्टेड दैट विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड वंस, ऐसा कौन सा लूप है जो चलाने के बाद एक बार तो चलेगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, तो वो है डू वाइल लूप, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट
टू राइट ए सिंगल लाइन कमेंट इन ए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सिंगल लाइन के लिए क्या होता है? डबल स्लैश। तो इसका आंसर हो गया बी, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द कोड फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू द बाइनरी लैंग्वेज इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं कंपाइलर। क्या कहते हैं हम? कंपाइलर। विच कीवर्ड इज यूज टू प्रिवेंट एनी मॉडिफिकेशन ऑफ ए वेरिएबल इन ए सी प्रोग्राम? तो ऐसा कौन सा है? तो कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम? सी प्रोग्राम में एक्स डिफाइन है, एक्स 20 दे रखा है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। हाँ, तो 29 का आंसर हो जाएगा कंपाइलेशन एरर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं, व्हाट इज नॉट इक्वल टू मींस इन सी प्रोग्रामिंग? तो इसमें देखिए इक्वल का साइन है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये लेस इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू कहते हैं। तो डी इज द नन ऑफ द एवर, इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं दे रखा है। तो 30 का क्वेश्चन कोई भी आंसर सही नहीं है। 31 पे चलते हैं, विच डेटा टाइप कैन स्टोर 15.9635? देखिएगा डेसिमल के बाद वैल्यूज़ हैं, तो इंटीजर में तो आएगा ही नहीं, लॉग इंट में भी नहीं आएगा, ये आएगा डबल में, कैरेक्टर में भी नहीं आएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज ए स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग? तो आपका कौन सा ऐसा करेक्ट वे है जिसमें सी प्रोग्रामिंग में हम इनिशियलाइज करते हैं? तो देखिएगा, पहला ऑप्शन में दे रखा है कैरेक्टर स्ट्रिंग हैलो, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है स्ट्रिंग str हैलो, तीसरा ऑप्शन कैरेक्टर स्ट्रिंग str 10 हैलो। तो देखिएगा कैरेक्टर टाइप स्ट्रिंग, पहली बात तो स्ट्रिंग डबल कोट्स में आएगी, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है नहीं, और लास्ट वाला इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि एरे हमने ले रखी। तो ये ऑप्शन इज द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 33, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एफ गेट्स फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग? तो एफ गेट्स का फंक्शन का यूज होता है रीड ए स्ट्रिंग फ्रॉम द कंसोल, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं 34 पे, व्हाट डज एफ गेट्स फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग व्हेन डू व्हेन इट इनकाउंटर्स ए न्यू लाइन कैरेक्टर्स? तो 34 का आंसर है स्टॉप रीडिंग, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज एन एरे एलिमेंट इन सी प्रोग्रामिंग आर ऑलवेज स्टोर्ड इन, रैंडम होता है, रैंडम नहीं होता, सिक्वेंशियल होता है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट एक्स बी एन एरे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर लीगल? तो एक्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस लीगल हो सकते हैं? एक्स प्लस प्लस एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस प्लस, एक्स मल्टीप्लाई टू। अगर ये एरे है तो एक्स इज, एक्स प्लस वन इज द लीगल ऑपरेशन बी। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द डिस्प्ले आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सी कोड? एक एरे दे रखी है 10, उसकी साइज है 10 और उसमें खाली 5 एलिमेंट डाल रखे हैं और ए एरे फिफ्थ को वो कॉल कर रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो, नॉट ए गार्बेज वैल्यू, जीरो आएगा क्योंकि हमने एरे को इनिशियलाइज कर रखा है। व्हाट डज ए पॉइंटर स्टोर इन ए सी प्रोग्रामिंग? किसके लिए यूज होता है? एड्रेस ऑफ वेरिएबल, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द 39, विच वन इज द इज ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच ऑपरेटर इज यूज टू गेट द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग? तो इसके लिए आप क्या होता है? बी ऑप्शन यूज करते हैं आप। व्हाट इज ए नल पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग? तो नल पॉइंटर का काम क्या होता है? पॉइंटर विच इज नॉट पॉइंटिंग एनी मेमोरी लोकेशन, डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, विच इज यूज टू डी एलोकेट मेमोरी इन सी लैंग्वेज? डी एलोकेट किससे करते हैं? फ्री, आप फ्री फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और वो डी एलोकेट हो जाती है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम? एक दे रखा है ए की वैल्यू 10 है, पॉइंटर पी है, पी इज में एड्रेस ऑफ ए है, प्रिंट एफ पॉइंटर ऑफ पी को प्री प्रिंट करा दें, तो इसका आंसर आ जाएगा 10,
कर लेना, बहुत आसान है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, देखिएगा अब सी कोड में इसका आंसर आ रहा है, 7 आ रहा है, चेक कर लीजिएगा कैसे आए, कोई आएगा इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे ज़रूर। नेक्स्ट, वट विल बी द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन पी टी आर प्लस इज इक्वल टू 2 इन सी प्रोग्राम, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, मूव पी टी आर टू मेमोरी लोकेशन, कहाँ मूव करना है, 2 मेमोरी लोकेशन से आपको मूव करना है। नेक्स्ट इज वॉट इज द डबल पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग, तो डबल पॉइंटर का क्या मतलब होता है, ए पॉइंटर टू ए पॉइंटर, सी ऑप्शन। 47, व्हाट इज़ द डैंजलिंग पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग, अब ये डैंजलिंग पॉइंटर का काम क्या है, बी ऑप्शन, ए पॉइंटर पॉइंटिंग टू ए इनवैलिड मेमोरी लोकेशन, तो ये हो गया डैंजलिंग पॉइंटर। नेक्स्ट, हाउ इज स्ट्रिंग हेलो रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी यूज टू फाइंड लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, एस टी आर एल ई एन, पहला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हाउ कैन यू इनिशलाइज एन एम टी स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग, तो आपको एम टी स्ट्रिंग बतानी है, तो एम टी स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग 1 to 3 टू एन इंटीजर, तो एटॉय फंक्शन यूज करा जाता है इसके लिए, एटॉय। नेक्स्ट इज 52, विच फंक्शन इज यूज टू कॉन्कनेट 2 स्ट्रिंग इन सी प्रोग्राम, तो इसके 2 कॉन्कनेट करनी है, तो स्ट्रिंग कैट, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देन 45 हो गया आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू कंपेयर 2 स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए डी ऑप्शन स्ट्रिंग सी एम पी कंपेयर। व्हाट डज द स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन डू इन सी प्रोग्रामिंग, ये होगा कॉपी इज वन स्ट्रिंग टू अनदर, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इफ टू स्ट्रिंग आर आइडेंटिकल देन स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन रिटर्न्स, क्या रिटर्न करता है, 0, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम, क्या आउटपुट आएगा, देखिएगा कैरेक्टर नेम में साकुम्बरी यूनिवर्सिटी लिखा है और प्रिंट करा दिया नेम को, और नेम की वैल्यूज आएंगी, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आपको मिलेगा, आउटपुट क्या आंसर मिलेगा आपका, गार्बेज वैल्यू, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हाउ डू यू कन्वर्ट दिस कैरेक्टर एरे टू स्ट्रिंग, कैसे आप कैरेक्टर एरे से स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे, तो इसका आंसर है सी, आप ऐसे लिख दें तो वो कन्वर्ट हो जाएगी, सी। साइज ऑफ यूनियन इज ए सी प्रोग्राम डिटरमाइन द साइज ऑफ यूनियन का, लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द यूनियन, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं 59 पे, साइज ऑफ ए स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग इज डिटरमाइन बाई द साइज ऑफ द सम ऑफ साइज ऑफ ऑल एलिमेंट, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 60, विच ऑफ द फॉलोइंग आर देमसेल्व ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, तो दैट इज द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए 61 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपरली डिफाइंड स्ट्रक्ट इन सी प्रोग्रामिंग, कैसे हम प्रॉपरली डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर को, तो इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच ऑपरेटर कनेक्ट द स्ट्रक्चर नेम टू इट्स मेंबर नेम इन ए सी प्रोग्रामिंग, तो कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, डॉट ऑपरेटर, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग, तो स्ट्रक्चर नॉट ए मेंबर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। व्हाट इज द सिमिलर बिटवीन स्ट्रक्चर यूनियन एंड एनम, तो ऑल ऑफ देम यू डिफाइन न्यू डेटा टाइप्स, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द साइज ऑफ द फॉलोइंग यूनियन डेमो वेयर द 4 बाइट एक्ोपाई इंटीजर एंड 1 बाइट एक्ोपाई फॉर कैरेक्टर, तो इसमें मैक्सिमम पूछा गया है, द साइज ऑफ द यूनियन, तो साइज ऑफ द यूनियन इज द 4 बाइट, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन ए स्ट्रक्चर इन एस्ट्रक कीवर्ड होता है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम कोड स्ट्रक्ट एम्प्लॉय इंटीजर आई डी इंटी कैरेक्टर नेम 20
व्हाट इज द एम्प्लॉय हेयर, तो एम्प्लॉय क्या है, ये एक स्ट्रक्चर टाइप है, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. कैन ए स्ट्रक्चर इन सी कंटेन ए मेंबर ऑफ इट्स ओन टाइप, तो नो इट्स फॉरबिडन. व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग यूनियन इन सी प्रोग्रामिंग, इट सेव्स मेमोरी बाय शेयरिंग द सेम मेमोरी लोकेशंस. व्हाट आर द टाइप ऑफ सी प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, तो ऑल ऑफ देम, फाइल इंक्लूजन भी होती है, मैक्रो भी होती है, कंडीशनल भी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन 71, व्हाट इज द कीवर्ड यूज्ड टू डिफाइन ए मैक्रो इन ए सी प्रोग्राम, तो उसके लिए हम डिफाइन फंक्शन यूज करते हैं, डिफाइन यूज करते हैं. व्हाट डज द हैश इंक्लूड डायरेक्टिव डू इन सी प्रोग्राम, तो वो हो जाएगा बी ऑप्शन, इंक्लूड द कंटेंट ऑफ ए फाइल इन टू द सी प्रोग्राम. नेक्स्ट इज 73, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैश इफ डेफ डायरेक्टिव इन सी प्रोग्राम, तो इसका मतलब होता है टू चेक इफ ए माइक्रो इज डिफाइंड और नॉट, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. हाउ डू यू इंक्लूड ए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, तो वो हम करते हैं हैश इंक्लूड उसका फाइल नेम, जैसे स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच. व्हाट डज द अनडेफ डायरेक्टिव डू इन ए सी प्रोग्राम, अनडेफ का काम क्या होता है, अनडिफाइन ए प्रीवियसली डिफाइंड मैक्रो, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायरेक्टिव इज यूज टू कंडीशनली इंक्लूड और एक्सक्लूड पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम, तो इसका होता है हैश इफ डेफ, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ यूजिंग द एरर हैश एरर डायरेक्टिव इन सी प्रोग्राम, तो इसका ऑप्शन ए है, इट इंक्लूड ए स्टैंडर्ड एरर मैसेज. 78 कहता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रैग्मा डायरेक्टिव्स, तो प्रैग्मा डायरेक्टिव्स का मतलब हो गया टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैश इंक्लूड फाइल और हैश इंक्लूड फाइल, तो इसका डिफरेंस है डी ऑप्शन, द फर्स्ट इज द लाइब्रेरी, द फर्स्ट इज फॉर लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, द सेकेंड इज फॉर यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी. व्हाट इज द ऑपरेटर यूज टू मेक वंस कॉम्प्लीमेंट, कौन सा हम वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज करते हैं, बिटवाइज, एक्सक्लूसिव और नगेशन, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 011 एंड 1100, तो ये ऑप्शन इज द ए इज द राइट ऑप्शन, निकालने सभी आसान क्वेश्चन है. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ राइट शिफ्ट ऑपरेटर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चेक कर ले, बिल्कुल आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट 17, व्हाट What is the output of the following code? तो ये एक आपको बताना है, क्या आउटपुट आएगा, तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, तो ये होगा इसका ऑल ऑफ दीज, सारे ऑप्शन राइट हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज ए सिंगल ऑपरेंड ऑपरेशन, सिंगल जो एक ही ऑपरेंड पे काम करता है, तो वो नॉट ऑपरेटर है. राइट शिफ्ट ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू क्या, कितना होता है, डिवीजन बाय टू होता है. व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इन ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो 0 to 7, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन द फॉलोइंग सी प्रोग्राम कोड, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, आपने निकाली भी होगी इसकी, 14 इज द आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर. What is the value of A is in the following C program? देखिएगा एक और आ गया है, 3.5 और 4.5, तो टोटल 8 हो गया, तो D ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन CPU प्रोग्रामिंग कोड, इंटीजर पॉइंटर पॉइंटर P, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इट सिस्टमैटिकली एंड सेमेंटिकली करेक्ट. विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फाइल पॉइंटर FP इन सी प्रोग्रामिंग, तो इसका ऑप्शन हो गया, फाइल इज ए कीवर्ड, सी फॉर रिप्रेजेंटिंग फाइल, एंड FP इज ए वेरिएबल ऑफ दैट फाइल. 93 पे, व्हाट इज द यूज ऑफ टाइप डेफ कीवर्ड इन सी प्रोग्राम,
टाइप डेफ का मतलब होता है ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन टू क्रिएट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, आपको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करना है। नेक्स्ट इज द फाइल रिजर्व वर्ड, फाइल रिजर्व वर्ड इज कौन से होते हैं, ए स्ट्रक्चर टैग डिक्लेयर इन स्टूडियो डॉट एच। नेक्स्ट इज 95 द फर्स्ट एंड सेकेंड आर्गूमेंट ऑफ एफ ओपन क्या होता है, तो फाइल नेम एंड मोड, पहला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 96 व्हाट डज द आर मोड सिग्निफाई व्हेन ए ओपनिंग ए फाइल यूजिंग एफ ओपन फंक्शन, तो इसका आंसर हो गया रीड एंड रीड मोड, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हाउ डू यू रीड ए करेक्टर फ्रॉम द फाइल, तो वो होगा एफ गेट्स फंक्शन। विच फंक्शंस राइट्स ए स्ट्रिंग टू ए फाइल, अगर किसी ने लिख लिया है तो एफ पुट फंक्शन उसका। व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ एफ ई ओ एफ फंक्शन व्हेन द एंड ऑफ ए फाइल इज रीच्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है 1, बी ऑप्शन इज द राइट। विच फंक्शन इज यूज टू रीड ब्लॉक्स ऑफ ए फाइल डेटा फ्रॉम ए फाइल, तो इसका ऑप्शन है एफ रीड फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो ये आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हुए आई थिंक आपको सारे क्लियर हुए होंगे, और इसे बहुत जल्दी से करके देखिएगा कि कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आंसर में एरर है तो आप लिख के भेज दो उसे। Thank you to all for joining the session.